हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने घर के बेसमेंट की टूर कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि यूएस में ये जो एक टाउन हाउस है उसका बेसमेंट कैसा होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए, बेसमेंट जो होता है वो मेन अपना जो मेन लेवल होता है उससे नीचे के एक लेवल में होता है। तो हमारा जो लिविंग रूम है वहीं से उसके डोर का एंट्रेंस है। जैसे ही आप नीचे आते हो तो ये पूरा हमारा जो बेसमेंट है जिसे मैंने यूज़ किया है अपने स्टोरेज के लिए, और ये भी एक चीज़ माइंड में रखी है कि बने इतनी जो स्पेस है वो मैंने एम्प्टी रखी है जिससे वो थोड़े गैदरिंग के लिए भी यूज़ हो सके, या फिर अगर बच्चे इकट्ठे होते हैं तो बच्चों के प्ले टाइम के लिए भी यूज़ हो सके। तो आई हैव ट्राइड टू यूज़ एज मच एज स्टोरेज एज पॉसिबल, एट द सेम टाइम कीपिंग एज मच स्पेस एज पॉसिबल ओपन। इसके दो इक्विपमेंट रखे हैं, एक तो ट्रेडमिल है और एक बाइक है जो नॉर्मली हम विंटर टाइम में ज़्यादा यूज़ करते हैं। साथ ही ये एक एरो गेम रखा है। पीछे मैंने कार्डबोर्ड रखा है जैसे कि दीवार में उसके होल्स ना पड़े। तो ये जो ट्रेडमिल और एक्सरसाइज बाइक है हम लोग मोस्टली विंटर में यूज़ करते हैं क्योंकि विंटर में बाहर नहीं जा सकते और वेदर भी अच्छा नहीं होता, तो इट इज़ गुड। साथ ही मैंने एक यहाँ पे टेबल और एक मॉनिटर रखा है। नॉर्मली तो यहाँ से कोई काम नहीं करता, बट सपोज़ अगर हमें करना पड़े या सपोज़ किसी को यूज़ करना हो तो इट्स नाइस टू हैव अ टेबल एंड अ मॉनिटर। तो फिर एक सिर्फ चेयर लेके अगर यहाँ से काम करना है तो वो भी हो सकता है। आगे चलते यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे फुटॉन रखा है। तो नॉर्मली अगर बहुत सारी गैदरिंग होती है तो ये फुटॉन को मैं उसकी प्लेस जो है वो चेंज कर देती हूँ। तो जैसे चाहे यहाँ पे फुटॉन पे भी बैठ सकते हैं। थोड़े किड्स के जो टॉयज़ वगैरह हैं वो एक शेल्फ़ में मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं ताकि जो भी सारे टॉयज़ रेगुलरली नहीं यूज़ होते वो मैंने यहाँ बेसमेंट में रखे हैं, जैसे कि पूरा जो घर है वो मैसी भी ना हो और जब भी उनका मन करे वो यहाँ से आके खेल सकते हैं। यहाँ पे बेसमेंट में एक क्लोज़ेट भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, जिसे मैंने स्टोरेज फॉर क्लोथ्स और जो पेंट्री एज अ पेंट्री मैंने यूज़ किया है। तो जो भी सारी एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज वगैरह है वो मैं यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ, जैसे कि दाल है, बीन्स है, फिर पास्ता, ओट्स, सॉल्ट, शुगर, जो कि हमें काफ़ी चाहिए होते हैं। तो फिर हर बार एक एक लाने की बजाय मैं उसे बल्क में ख़रीद लेती हूँ, जैसे 5-6 पैकेट एट अ टाइम, और फिर एक पैकेट अपने नॉर्मल यूज़ में रखती हूँ और जो भी सारे एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं वो मैं यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ। इस तरह कोई गिफ्ट पैकेज या कभी जो डील आती है तो हम गिफ्ट वगैरह ले लेते हैं, तो वो भी मैं डील में लेके यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ ताकि जब भी किसी को गिफ्ट देना हो या तो फिर खुद को भी यूज़ करना हो तो हम ले सकते हैं। ये जो भी सारी बैग्स वगैरह हैं वो भी मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी है, जिसमें सारे हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स और जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं जो साल में एक या दो बार ही यूज़ होते हैं वो मैंने इस बैग में सारे अरेंज करके रख दिए हैं। एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज बिन भी रखा है जिसमें मोस्ट ऑफ द ग्रॉसरीज मैं यहाँ पे इसमें स्टोर करती हूँ, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए, दाल्स हो गया, बीन्स हो गया, तो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो एज अ पेंट्री ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। मेरे पूरे घर में इंक्लूडिंग बेडरूम्स, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, सभी जगह पे वुडन फ्लोर है, लेकिन बेसमेंट में कारपेट लगी हुई है क्योंकि बेसमेंट जो बाकी का घर का जो एरिया होता है उससे काफ़ी ठंडा होता है, टेम्परेचर उसका काफ़ी कूल होता है। इसकी वजह से कारपेट होने की वजह से वहाँ पे फ्लोर पे ठंड कम लगती है। साथ ही अपना जो वाटर बॉयलर होता है और जो हीटिंग फर्नेस होता है वो भी बेसमेंट में ही स्टोर है, और जो प्लांटर का जो सॉइल वगैरह भी क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ तो उसी को मैंने साइड में अरेंज कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा जो प्लांटर्स हैं और जो सॉइल है, ताकि जब भी मुझे प्लांट्स करना हो तो मैं फिर यहाँ पे सब कुछ अरेंज करके फिर मैं उसे ऊपर लिविंग में या फिर ऊपर बालकनी में रख देती हूँ। ये बेसमेंट में एक सबसे अच्छी बात है कि जितना भी यहाँ पे ओपन स्पेस अभी आप देख रहे हो, जितना भी एरिया है
उतना ही एरिया पीछे की साइड, यानी कि ये दीवार के पीछे भी पूरा स्टोरेज है। जैसे ये डोर के पीछे पूरा स्टोरेज है, जहाँ पे मैंने जो भी सारी चीज़ें जो हमें हार्डली यूज़ होती है, जैसे कि साल दो साल में एक या दो बार हमें यूज़ होती है, वो सारी मैंने यहाँ पे स्टोर की है। जैसे कि और जो पेंट वगैरह है, क्योंकि हम लोगों ने पूरे घर का पेंट खुद से ही किया था, तो जो भी एक्स्ट्रा पेंट वगैरह है, जो भी हमारे सारे अप्लायंस है और उसके जो बॉक्सेस वगैरह हैं, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, वो भी सारे मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ, ताकि सपोज़ अगर हमें कहीं कोई चीज़ रिटर्न करनी हो या तो फिर बाय चांस कहीं मूव करना पड़े, तो दैट टाइम हमें बॉक्सेस की सर्च करने के लिए बॉक्सेस फिर से ढूंढने ना पड़े। तो सारे जो भी ये जैसे यहाँ पे मैंने पेंट वगैरह रखे हैं, बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, फिर यहाँ पे सारे मैंने जो भी एक्स्ट्रा स्टफ है, बॉक्सेस है, और जो भी सारी चीज़ें जो हमें रेगुलरली ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ साल में एक या दो बार चाहिए, जो भी सारी डेकोरेशंस की आइटम है, जैसे कि दिवाली का डेकोरेशंस हो गया, हेलोविन हो गया, क्रिसमस हो गया, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी है। और हर एक के लिए मैंने अलग अलग बिन बना के रखे हैं, स्टोरेज बिन। जैसे कि ये दिवाली का है, तो जब भी दिवाली आती है तो मुझे सिर्फ ये जो स्टोरेज बिन है, मैं सारी चीज़ें दिवाली की डेकोरेशंस की मुझे ये बिन में से मिल जाती है, तो आई डोंट हैव टू लुक, मुझे हर जगह उसे ढूंढना नहीं पड़ता। उसी तरह किचन के जो सारे थोड़े वेसल्स, बर्तन वगैरह होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, तो वो मैं इसे अलग से बिन बना के मैंने उसका उसमें रख दिए हैं सारे बर्तन। थोड़े ये जो एक्स्ट्रा बैग है, उसमें थोड़े जो किचन के क्लोथ्स वगैरह हैं एक्स्ट्रा, वो भी सारे इसमें स्टोर करके रख दिए हैं। यहाँ पे साइड में एक थोड़ा वर्क स्टेशन जैसा बना हुआ है, तो सपोज़ अगर हमें खुद से कभी कुछ बनाना पड़े, कुछ कटिंग वगैरह करनी पड़े, तो उसके लिए हम वो वर्क स्टेशन यूज़ कर लेते हैं। फिर जितने भी सारे बॉक्सेस, जितने भी सारे अप्लायंसेस के बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, मैं हमेशा उसे स्टोर करके रखती हूँ। फिर फ़ैन हो गया, हीटर पोर्टेबल हो गया, फिर बच्चों की बाइक्स वगैरह हो गई, जो कि सिर्फ सीजनल, ये सारी सीजनल चीज़ें हैं। जैसे बाइक वगैरह है तो सिर्फ समर के जो 4-5 महीने होते हैं उतने टाइम ही हम लोग ऊपर रखते हैं, लेकिन बाकी के टाइम उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसे मैं बेसमेंट में ही स्टोर कर देती हूँ। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि जितना भी ये सारा एक्स्ट्रा स्टोरेज है, वो मेरा जो मेन बेसमेंट के का जो एरिया है उसके पीछे की साइड है, मतलब बेसमेंट का जो पूरा एरिया मेरा है वो पूरा खाली रहता है। इससे ये एक बात बहुत अच्छी हो जाती है कि कभी हमें कोई छोटा गेट टुगेदर करना होता है, या फिर बच्चों की, इवन मैंने अगर पार्टीज़, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो वो भी हो जाती है। ये यहाँ पे आप बीच में एक जो लाइन मार्क वगैरह देख रहे हो, तो एक्चुअली ये जो बेसमेंट था वहाँ पे बीच में दीवार थी, यानी कि दो छोटे छोटे रूम थे, तो ये जो दीवार थी हम लोगों ने तुड़वा दी थी उसको, तो ये उसी का मार्क है, बिकॉज आई वॉन्टेड अ बिग रूम रादर देन टू स्मॉल रूम्स। तो बस ऐसी से ये दीवार तुड़वाने से एक पूरा मतलब एम्प्टी स्पेस अच्छी तरह से मिल जाती है। 10-12 जन को आराम से सोना है तो सो भी सकते हैं, कुछ गेम वगैरह खेल सकते हैं, बच्चों की पार्टीज़ वगैरह अरेंज हो सकती है। तो बस दिस वॉज ऑल अबाउट माई बेसमेंट टू, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन प्लीज़ राइट इट टू मी एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। I will see you all soon with the next video. Till then, take care, stay tuned, and bye-bye.